कोरोना से पूरी दुनिया में तबाही, मुहलिक वायरस 2,44,000 से ज्यादा जिंदगियां ले गया है, जबकि मरीजों की तादाद 34,62,000 से भी बढ़ गई है। दुनिया भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। मरीजों की तादाद 34,62,000 से तजावुज कर गई है, जबकि अब तक 2,43,000 से ज्यादा मरीज खतरनाक वायरस के सबब जान से जा चुके हैं। कोरोना वायरस से अमेरिका में भी अमवात का सिलसिला रुक न सका। मौजी वबा से मजीद 1,691 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की तादाद 67,000 से बढ़ गई है, जबकि 29,000 से ज्यादा अफराद नए केसेस सामने आने के बाद मुतासर अफराद की तादाद 11,60,000 से बढ़ गई है। बरतानिया में भी मजीद 681 अफराद कोरोना के बायस जान से गए हैं, जबकि 4,800 से ज्यादा नए मरीज भी सामने आ गए हैं। इटली में हलाकतों में एक बार फिर इजाफा देखा गया है और एक ही दिन में मजीद 474 अफराद इंतकाल कर गए हैं। इटली में वायरस के मरीजों की तादाद 2,09,000 से ज्यादा हो चुकी है। स्पेन में मजीद 276 अफराद, फ्रांस में 186, तुर्की में 78, ईरान में 65 और रूस में 53 अफराद हलाक हो गए हैं। ब्राजील में भी कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है और ब्राजील चीन से आगे निकलकर दुनिया में वायरस के शिकार 10 बड़े मुल्कों में शामिल हो गया है। उधर रूस 39,45,000 से ज्यादा टेस्ट करके अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर है, जबकि जर्मनी ने 25,00,000 से ज्यादा, इटली ने 21,08,000 टेस्ट किए हैं। भारत 39,700 मरीजों के साथ दुनिया भर में 16वें नंबर पर है। सऊदी अरब में 25,500 और बांग्लादेश में 8,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं।